माँ सरोजा संजीव ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफी लंबे समय से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने बैंगलोर के जयनगर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में रविवार 20 अक्टूबर सुबह करीब 7 बजे आखिरी सांस ली थी। उनके पार्थिव शरीर को रविवार दोपहर घर लाया गया। इस दौरान कई राजनीतिक नेता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने एक्टर के घर पे पहुंचे। सुदीप अपनी माँ के बेहद ही करीब थे और उनके निधन से एक्टर बुरी तरह से टूट चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल फोटो वायरल हो रही है जिसने सभी को झकझोर के रख दिया है। फोटो में किच्चा सुदीप अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास खड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही वो फूट फूट कर रो रहे हैं, जिनको संभाल पाना सभी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वायरल हो रही तस्वीरों को उनके फैन पेज द्वारा शेयर किया गया। सुदीप के इस फोटो को देख उनके फैंस भी काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। वायरल फोटो में सुदीप राजनीतिक नेता बसवराज एम बोम्बई के गले लगाकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में बसवराज और बोम्बई सुदीप को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुदीप और उनकी मां की एक फोटो शेयर करते हुए उनके निधन पर अपना दुख भी जाहिर किया था और श्रद्धांजलि जाहिर करते हुए लिखा, अभिनेता सुदीप ने आज अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए जिनका निधन हो चुका है और उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ इसके अलावा कांतारा फिल्म के एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि किच्चा सुदीप की सर, आपकी प्यारी माँ के निधन पर मुझे बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे मुश्किल समय में आपको और आपके परिवार को ताकत और सहारा मिले। बता दें कि सुदीप की माँ का निधन 20 अक्टूबर की रविवार को सुबह हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि वो काफी समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही थी। इसी के साथ उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन रविवार तड़के को उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और वो चल बसे। फिलहाल बताते चले कि वो काफी ज्यादा सदमे में है और उनकी फोटोज काफी वायरल हो रही है। फिलहाल इस पर क्या कुछ राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सनलाइट।